सो हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल। आई नो ये मीशो हॉल नहीं है, मीशो हॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने कम प्राइस में प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो अगर इन पे अभी ऑफ़र या डील्स वगैरह चल रही हुई तो भी अगर आपको चाहिए तो आप अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। सो काफ़ी यूज़फुल आइटम होने वाले हैं डेली वेयर के लिए, जो कि आपकी डेली वेयर में बहुत काम आएंगे एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गए हैं। अच्छा, जब ये ऑफ़र चल रहा था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया था एंड कम्युनिटी पर भी मैं शेयर कर रही थी। सो अभी इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, कुछ का प्राइस बढ़ गया है, फिर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अगर किसी ने भी ऑर्डर करना है तब आप कर सकते हो। सो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट होने वाले हैं एंड अल्ट्रा अफोर्डेबल होने वाले हैं। सो काफ़ी आइटम ऐसे हैं जो कि आपके किचन में काम आने वाले हैं और इनमें से दो प्रोडक्ट्स अभी ऐसे हैं जो कि मुझे डिलीवर नहीं हुए हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था ये है एक इंडक्शन कुकटॉप, जो कि आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, लेकिन मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था एंड यहाँ पर कूपन कोड भी अप्लाई हो रहे थे। सो अभी भी अप्लाई हो रहे हैं। आई थिंक इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है और इसके लिए मैंने जो अमाउंट पे किया है वो 1525 रुपीज़ पे किया है और ये रिटर्न नहीं होगा। जब आप कूपन कोड अप्लाई कर देते हो तो प्रोडक्ट्स को आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक्सचेंज में डाल सकते हो। एक्सचेंज की डेट इसकी काफ़ी ज़्यादा है, अगर कुछ भी इशू होता है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं होगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करके प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हो तो। सो जिसका MRP है वो 2895 रुपीज़ है, ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ है। तो इसके लिए मैंने पे किया है इसका हाफ़ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है एंड ये प्रेस्टीज का है तो इसमें वारंटी भी मिलती है, वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है। सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एंड ये आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, कभी कभी बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। सो मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, जैसे कि इसका जो कुकवेयर सेट होता है ना वो भी मैंने 1200 रुपीज़ में ऑर्डर प्लेस किया है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अभी वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ है एंड इसके साथ कंटेनर्स वगैरह भी थे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, पार्सल को मैंने अनपैक ही नहीं किया था। सो यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दिया है क्योंकि एक ही स्विच बोर्ड था एंड ये काफ़ी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो काफ़ी अच्छा रहता है एंड बहुत ही जल्दी इस पर चाय वगैरह आप बना सकते हो, इस पर खाना वगैरह भी बन जाता है, लेकिन इसके जो मैंने इसी के बर्तन भी ऑर्डर किए हैं वो भी अगेन मिंत्रा से ही किए हैं, वो 1200 रुपीज़ समथिंग के आपको अभी भी मिल जाएंगे। सो वो भी आप चेक कर लेना, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जो नेक्स्ट आइटम है इसको भी मैंने मिंत्रा से ही ऑर्डर किया है एंड इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा मुझे लग रहा है। इमेज में वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा शो हो रहा था और एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी बड़ी थी, सोचा था थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा है। मिल्टन है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप इसमें दाल सब्ज़ी वगैरह रखना चाहते हो तो ऑर्डर प्लेस कर लेना। अभी इसके ऊपर प्राइस और भी थोड़ा कम हो गया है, इसका प्राइस अभी आपको 224 रुपीज़ पे करना होगा। सो टोटल आपको इसमें 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा छोटा है। रोटी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, अगर आप इसमें सब्ज़ी या दाल वगैरह रखना चाहो तो वो आप आराम से रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। सो मैंने पार्सल काफ़ी दिन के बाद ओपन किए हैं तो इसकी जो रिटर्न वाली डेट थी वो भी निकल चुकी है। अच्छा, इस पर कूपन अप्लाई नहीं किया था जिसकी वजह से रिटर्न मैं कर सकती थी, लेकिन डेट निकल चुकी है, काफ़ी दिन के बाद मैंने इसको अनबॉक्स किया है। बाकी क्वालिटी काफ़ी सही है, लेकिन आप इसमें रोटी वगैरह नहीं रख सकते। प्राइस हमने इसके लिए पे किया है उस हिसाब से इसका साइज़ नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। सो जो नेक्स्ट आइटम है इसमें मैंने ऑर्डर किया था एक कंडीशनर एंड एक अलग अलग ऑर्डर किया था एंड ये एक ही बॉक्स में मुझे डिलीवर हुए हैं। ये है स्विस ब्यूटी का प्राइम एंड सेट लूज पाउडर, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है और इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, यानी 349 रुपीज़ का ये पाउडर है और मैंने इसके लिए पे किया है ओनली 69 रुपीज़ एंड इसमें क्वांटिटी आपको काफ़ी सही मिल रही है। सो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है जिसकी वजह से कोई भी कलर इसमें नहीं होता है, सिर्फ ये आपके जो बेस होता है कंसीलर वगैरह उसको अच्छे से सेट कर देता है एंड अभी समर्स चल रहे हैं उस हिसाब से ना काफ़ी सही प्रोडक्ट है एंड बहुत ही कम प्राइस में मिल गया है। सो नॉर्मल पाउडर ही है, इस वजह से मैंने इसकी सील वगैरह नहीं हटाई है। पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड आउटर पैकिंग थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन प्राइस मैंने इसके लिए बहुत कम पे किया है। सो इसमें छोटा सा पफ भी आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। नेक्स्ट जो आइटम है इसके लिए मैंने 71 रुपीज़ पे किया था क्योंकि सब पे मैंने कूपन कोड अप्लाई किया था। ये है डव का कंडीशनर जिसका प्राइस 99 रुपीज़ है एंड इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है वो 18 ml की मिलती है। सो काफ़ी अच्छा ये कंडीशनर है जो कि आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी भी बना देता है।
आता है। सो इसमें आपको अलग अलग साइजेस भी मिल जाएंगे, उन पर भी इतना ही ऑफ चल रहा है, आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट आइटम मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एंड इसके लिए मैंने जो अमाउंट पे किया है वो 200 रुपीज़ पे किया है, इससे ज़्यादा का वहाँ पर ऑफ नहीं था। सो ये जो प्रोडक्ट है नॉर्मली ना नायका पे और अमेज़ॉन प्ले फ्लिपकार्ट पे ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है। 200 के हिसाब से इसमें आपको जो क्वांटिटी मिल रही है ना वो 250 ग्राम मिल रही है। सो काफ़ी सही क्वांटिटी है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है। एंड जो मैंने वेरिएंट लिया था वो जैस्मिन है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी अच्छा पाउडर है ये, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये आप फेस पर भी लगा सकते हो एंड बॉडी पर भी लगा सकते हो। जो यार्डले लंडन का टेलकम पाउडर है ना, इसमें आपको टोटल 7 वेरियंट मिल जाते हैं एंड इसमें आपको परफ्यूम्स भी मिल जाती हैं, बॉडी मिस्ट भी मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी रहती हैं। सो जो नेक्स्ट आइटम है ये है बोरो प्लस के सोप्स, जो कि पैक ऑफ 6 में मैंने ऑर्डर किए थे एंड ये ऑफर भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। सो जो नेक्स्ट आइटम है ये है एंड इसके साथ मैंने हिमालय के भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। सो जो एक सोप है वो 65 रुपीज़ का है एंड ये टोटल 6 का कॉम्बो है और इसके लिए मैंने ओनली 153 रुपीज़ पे किया है। ईच जो सोप है ना उसकी जो क्वान्टिटी है वो 125 ग्राम है, यानी काफ़ी बड़ा सा सोप है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है एंड इसको मैंने यूज़ भी किया है 3 से 4 बार। काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है एंड काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2026 तक है। सो जो नेक्स्ट आइटम है ये है हिमालय का प्योरीफाइंग फेस स्क्रब, पील ऑफ मास्क भी आपको मिल जाएगा, फेस पैक भी मिल जाएगा, सब पर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। सो मैंने छोटा लिया था, 15 ग्राम का है एंड इसके लिए मैंने 71 रुपीज़ पे किया था। यहाँ पे काफ़ी सारे साइजेस भी अवेलेबल हैं, एवर यूथ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील वगैरह चल रही थी। सो ये स्क्रब मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ कर रखा है, इस वजह से मुझे पता है। सो ये काफ़ी अच्छे से सूट करता है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तब भी आपको ये अच्छे से सूट करेगा। सो नोज़ के अराउंड जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है एंड इसका जो ओरिजिनल MRP है वो 95 रुपीज़ है और 71 रुपीज़ में मैंने इसको ऑर्डर किया है कोड वगैरह अप्लाई करके। और अभी भी आप अगर आप लेना चाहो तो आपको ये सब कुछ और मिल जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक है फ़िलहाल के लिए। और इसके लिए मैंने सिर्फ 172 रुपीज़ पे किया था कोड अप्लाई करके और इसकी जो क्वांटिटी मुझे मिली है वो 640 ml मिली है। एंड ये जो शैम्पू है ना बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप मैंने काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, काफ़ी सारी एम्प्टीज़ भी मेरे पास हैं इसकी बॉटल। सो ये हमेशा आपको ऑन डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो मिंत्रा हो, नायका पे भी मिल जाता है। जब इस पे सेल लगी होती है ना तो काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। अभी 1 लीटर वाला भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, वहाँ पे आपको 330 रुपीज़ में मिल रहा था, लेकिन इसमें क्वान्टिटी थोड़ी कम है, 640 ml है और इसका जो प्राइस है वो 575 रुपीज़ है और मैंने इसके लिए सिर्फ 174 रुपीज़ पे किया है। काफ़ी सही है, आयुर्वेदिक है एंड इससे बाल तो झड़ना बंद हो गए हैं, थोड़ा सा अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है उसको भी ड्राई करता है। शैम्पू में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपके जितने भी बाल झड़ रहे होते हैं ना वो बिल्कुल बंद नहीं होते, लेकिन झड़ना कम हो जाते हैं। सो ये भी ऑफ़र ऑलरेडी मैंने शेयर किया था एंड इतने ज़्यादा लोगों ने इसको परचेज़ किया था कि तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे 5 मिनट में। सो ये 249 रुपीज़ में मैंने 2 ऑर्डर किए थे, अच्छे से पहले भी ऑर्डर किए थे, वो दूसरा डिज़ाइन था, वो दूसरे पैटर्न पे थे एंड इस बार ये दूसरे पैटर्न पे हैं एंड इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, वो आई थिंक 9 फीट था और ये 7 फीट है, लेकिन कलर मैंने सेम इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि इस पर ही ऑफ़र था, बाकी वहाँ पे कलर आपको और भी मिल जाएंगे लेकिन उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड आपको विंडो के भी मिल जाएंगे, विंडो पे भी ऑफ चलता रहता है साथ ही साथ। सो अगर आपको पूरा सेट ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा शाइनी से हैं, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी फ़िलहाल के लिए आउट ऑफ स्टॉक है या फिर इनका प्राइस बढ़ चुका होगा, लेकिन ये हमेशा ऑफ़र में आते जाते रहते हैं, लिंक मैं दे दूँगी, अगर आपको सही लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स रह गए हैं मेरे मिंत्रा से आने के लिए, उनमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम था इस वजह से मैंने ये वीडियो शेयर कर दी, अगर इनमें से अभी कुछ ऑफ़र में है तो आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, वो जब आएंगे तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो सारे प्रोडक्ट्स पर अभी कुछ ना कुछ डील वगैरह चल रही है, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।